मेडिकल कॉलेज के पीछे किया जा रहा अवैध उत्खनन, बोलने पर देते हैं जान से मारने की धमकी। खबर मेडिकल कॉलेज के पीछे से आ रही है। यहां पर सरकारी भूमि पर लक्ष्मी नारायण यादव राजू यादव के द्वारा पत्थर और लाल मिट्टी को खुदवा कर विक्रय किया जा रहा है। यहां पर रहने वाले राजू कुमार यादव का कहना है कि इसकी शिकायत हमने पूर्व में की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। दबंग लोगों के द्वारा हमें जान से मारने की धमकी दी जाती है। देखिए क्या कुछ कहा राजकुमार यादव ने। राजकुमार यादव, कहाँ से आए हो? ठाकुरपुरा से। आप एसपी ऑफिस आए हो, किस लिए आए हो? एसपी ऑफिस शिकायत करने के लिए। किस प्रकार की शिकायत है? ये ना खंडे फोड़ रहे हैं, खंडा वायरी फूड फोड़ के बीच रहे हैं। कहाँ पर? मेडिकल कॉलेज के पीछे। कौन बेच रहा है? ना नारायण यादव, राजू यादव। तो आपने इसकी शिकायत की इससे पहले? हाँ, एसडीएम साहब के करी थी एक बार शिकायत कुछ दिनों पहले। कितना टाइम हो गया? 2-4 महीने हो गए और जानदा हो गए। और एक कोतवाली में भी कई कोई कहीं कभी सुनवाई नहीं, वो तो सब खरीदे हुए हैं उनके। तो वो कौन है जो आवेदन कर रहे हैं? ना लक्ष्मी नारायण यादव। कौन मतलब वैसे कौन है? क्या करते हैं? वैसे तो बेचते हैं सब खंडा, बिजनेस है। कितने समय से? काफ़ी समय से बेच रहे हैं, कम से कम जब से ये खदान बंद हुई ना, जिससे पहले के करीबन 10 साल हो गई, 10-12 साल। आपने उनको बोला कुछ? हैं, हम मना करते हैं साहब, कभी नहीं मानते। ये तो रास्ता मस्ता सब खोद दी उनने। आपको क्या लगता है कि उसके पीछे कोई राजनीतिक हाथ है या क्या है? आपको नहीं क्या लगता है? राय नहीं, उनके भैया और दो भैया के मोड़ी मोड़ा पुलिस में है। किस थाने में? ना कैंट में है, दो गुना में और एक कहीं है, मतलब उज्जैन साइड। पुलिस के दबाव में ये सब किए? बहुत दादागिरी चल रही उनकी, कुछ कह ही नहीं सकते।